स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टूडेज क्लास। नाउ यू हैव डन योर होमवर्क स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, सम नंबर 1, ABC ऑफ ऑल क्वेश्चंस, एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम टू डू योर वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यस्टरडे आई हैव डन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कशीट 6, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9। नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करिएगा, बिल्कुल इजी है। यू डू योर सेल्फ इन योर प्रैक्टिस कॉपी, नॉट इन योर मैथ्स कॉपी। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, ए प्रिंटर यूज 729 शीट्स ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग ऑफ 9 पैड्स। यानी 9 पैड्स की प्रिंटिंग करने के लिए एक प्रिंटर ने जो है 729 शीट्स ऑफ पेपर को, पेपर की शीट्स को यूज करा है। कितने पैड्स के लिए? 9 पैड्स के लिए। सो हाउ मेनी शीट्स वर यूज्ड इन प्रिंटिंग ऑफ 1 पैड? तो 1 पैड की प्रिंटिंग के लिए कितनी उसको पेपर, शीट्स ऑफ पेपर यूज करनी पड़ेंगी। बट हाउ मेनी शीट्स, कितनी शीट्स का यूज करेंगे वो 1 पैड के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल हमारी शीट्स कितनी है, 729। सबसे पहले हम लिखेंगे शीट्स यूज टू प्रिंट, कितनी प्रिंट करनी है हमको, शीट्स यूज टू प्रिंट, राइट डाउन बेटे, शीट्स यूज टू प्रिंट 9 पैड्स। 9 पैड्स के लिए कितनी शीट्स को यूज करा है उन्होंने, 729। अबे शीट्स यूज्ड टू प्रिंट 1 पैड, इज इक्वल टू 729 डिवाइड बाई 9 पैड्स। 729 डिवाइड बाई 9, देखिए 9, अब 72 9 के टेबल में कब आता है, 9 8 72, 0 आया, अब ये वाला 9 लिखेंगे हम यहाँ पर, 9 1 9। सो 1 पैड की प्रिंटिंग के लिए आपको कितनी शीट्स को यूज किया जा रहा है, 81 शीट्स को। यहाँ पर 9 पैड्स की प्रिंटिंग के लिए बता रखा था कि हमने 729 उन शीट्स को यूज करा है प्रिंटर ने, तो 1 पैड के लिए कितनी शीट्स को यूज करेंगे, 81 शीट्स। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी शीट्स वर यूज इन प्रिंटिंग ऑफ 1 पैड। आप नीचे लिखेंगे 81 शीट्स वर यूज, 81 शीट्स वर यूज्ड इन इन प्रिंटिंग ऑफ 1 पैड। सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, सो स्टूडेंट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम इसके बाद करेंगे। और देखिए, 256 persons want to cross a river by boats. 256 persons means लोग, 256 लोग जो है वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं बाई बोट, बोट पर बैठ के, नाव पर बैठ के। तो 1 boat कैन कैरी 8 persons, तो 1 boat यानी 1 boat जो है वो सिर्फ 8 लोगों को ही ले जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। सो हाउ मेनी बोट्स इन ऑल आर नीडेड, तो बताइए हमको कितनी बोट्स की जरूरत पड़ेगी टोटल, जब अगर 1 boat जो है वो 8 persons को कैरी करती है, तो 256 persons के लिए हमको कितनी बोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ persons। हमारे कितने persons हैं, पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ, सो टोटल नंबर ऑफ persons इज
256. One boat can carry person. One boat कितने persons carry कर रही है? 8 persons. One boat जो है वो 8 persons को carry कर रही है. So total number of boats हमको find out करना है. Total number of boats is equal to total number of boats is equal to 256 divided by 8. 256 divided by 8. अब देखें तो 8 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे. 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24. 25 नहीं आता, 25 से कम 24. 5 माइनस 4 वन, अब ये वाला 6 लिख लेंगे, 16 हो गया. 8 टू जा 16, यानी 256 पर्संस के लिए हमें कितनी बोट्स की नीड है? 32 बोट्स की हमको नीड है. तो हम यहाँ पर क्या आंसर हमारा आएगा, हाउ मेनी बोट्स इन ऑल आर नीडेड? 32 बोट्स आर नीडेड इन ऑल. टोटल हमको 32 बोट्स की जो है वो नीड है. 32 बोट्स जो है वो 256 पर्संस को जो है वो कैरी करके ले जाएंगे. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वी विल डू इन फर्स्ट टर्म रिवीजन. जो सम्स हमने नहीं करे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो हम टर्म वन का जब रिवीजन करेंगे देन वी विल डू दैट सम्स दैट टाइम. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. इस क्वेश्चन में हमको मिसिंग डिजिट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है. देखिए 2 को अब हमें किससे डिवाइड करना है. देखिए ये देखिए 2 4 जा 8, ध्यान से देखते जाइएगा. 2 4 जा 8, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से कम क्या आता है? 2 4 जा 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया. अब यहाँ पर बताइए कौन सा नंबर होना चाहिए जो हमने 2 5 जा यहाँ पर हमने 10 लिखा है. तो अब यहाँ पर हमारा हम क्या लगाएंगे? 0. ये 0 है तभी तो हम इस 0 को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा. तो 2 5 जा 10, तो ये जो दोनों हमारे कॉलम है इसमें मिसिंग कॉलम्स में हमको क्या लिखना है? 0. देखिए ध्यान से 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1. अब इसमें हमारा 0 आएगा तभी तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे. इसी 0 को इस कॉलम में पुट करा तो ये दोनों जगह हमारे दोनों प्लेसेस पर जो है मिसिंग कॉलम में हमारे नंबर कौन सा नंबर आया? 0. अब ये 10 हो गया. अब 2 5 सा ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पर. अब 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो राइट डाउन सम नंबर ए. नाउ सम नंबर बी. अब देखिए सम नंबर बी, ध्यान से देखिए बेटे. अब ये 1-1, अब यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा बताइए? विच नंबर विल कम हियर? सो देखिए 5 3 जा 15 लिखा है इन्होंने यहाँ. अब हमने किस नंबर में से 15 को माइनस करा, यानी किस में से 5 माइनस करा जो 2 आया हमारा आंसर? कौन से नंबर में से हम 5 माइनस करेंगे बताइए? 7 में से. देखिए अब 5 3 जा 15, अब 7 माइनस 5 2 आ गया, ऊपर से हमने 1 लिखा, अब 21 हो गया. 5 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता. क्या आता है? 20. 5 4 जा 20, तो 21 माइनस 20 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 1. यहाँ पर हमारा ओनली एक सिंगल ही कॉलम था जिसमें हमको फिल करना था, तो इस कॉलम में आएगा 7. सो राइट डाउन सम नंबर बी. नाउ ए में आपका दोनों कॉलम्स में 0 आएंगे और बी में आपका इस वाले कॉलम में 7 आएगा. सो स्टूडेंट्स योर वर्कशीट विल कंप्लीट. आज योर वर्कशीट इज कंप्लीट टुडे. आज कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट. सो योर होमवर्क इज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 6. चैप्टर 6 के जो एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे. आज के लिए आपका होमवर्क यही है.
पेज नंबर 85 है. एमसीक्यूज, यू डू दिस एमसीक्यूज इन योर मैथ्स कॉपी. देर आर 10 एमसीक्यूज और इनको अच्छे से आप कीजिएगा. इनके मैं आंसर्स आपके, मेरे जिस दिन गूगल मीट होगी मैं आपसे सबसे आंसर्स जो है इनके पूछूंगी, आपने आंसर्स क्या लिखे हैं. सो यू विल डू दिस एमसीक्यूज इन योर मैथ्स कॉपी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.